तो दोस्तों कल रात की बात है और कल रात को यार यहाँ रिलीज कर दिया है विंडो वालों ने एक और नया अपडेट। और इस अपडेट में देखा जाए ना तीन चार काफी अच्छे फीचर्स ऐड करे गए हैं, न्यू एक्सपीरियंस ऐड करा गया एक दो, ठीक है, बाकी कुछ कुछ तो पुराने ही चीजें करी गई है। आज इसी पे इस जो अपडेट आया है विंडो का इस पर थोड़ी चर्चा करने वाले, इसमें क्या चीज नया इंक्लूड करा गया, फिक्सेस और ये सब क्या क्या हुए हैं और ये देखने में कैसा लगने वाला है, ये सब आज आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वालों की, उन्होंने यार जैसा आप जानते हैं यार अपडेट देते रहते हैं यार आजकल, तो काफी अपडेट आते हैं, ये बीटा फेज में आते हैं, बिल्ड्स आते हैं इसके। तो अभी जो बिल्ड यार लेटेस्ट रिलीज होके आया है, मतलब कल रात में जो हुआ है वो है 21354 बिल्ड, ये लेटेस्ट है। अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो करना क्या है आपको यार, सबसे पहले तो विंडो इनसाइडर प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, बहुत आसान है, आईडी देना है और डेवलपर चैनल डीईवी लिखा आ रहा होगा, देव चैनल बोलो यार, डेवलपर चैनल सही रहता है उसका नाम है वो, ठीक है, उसमें होने चाहिए आप सिलेक्टेड। फिर अपडेट्स में जाओ और आपको यार दिख जाएगा वहां पे अभी लेटेस्ट ये आ रहा होगा या इससे पहले वाला बिल्ड भी दिखा रहा होगा ना, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना तो आपको यार सीन हो जाएगा, ये जो लेटेस्ट कल रात वाला बिल्ड आया ये। अच्छा, इस बिल्ड में नया क्या इंक्लूड करा गया, नए में यार तीन चार चीजें बेहतरीन इंक्लूड करी गई है। अगर आप यार इससे पहले वाले बिल्ड जितने भी हैं जो 4.7 या कुछ कुछ ऐसे बिल्ड थे ना इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही है यार जो हमने बनाई थी, तो वो अगर बिल्ड से आप इसको करते हैं अपडेट तब आपको कुछ नए चीजें देखने को दिखेगी और आप तो यार उससे बहुत अच्छे से यार परिभाषा मतलब उसके साथ यार अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस बिल्ड के साथ, तो आपको तो यार अनुभव है, मतलब एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा इंटरफेस है यार नए बिल्ड्स का। पर अगर आप नए हैं, जैसे अगर आपने अभी विंडो 10 ही सिर्फ कर रखा है, तो बिल्ड्स में जब आप जाइएगा ना यार तो आपको फाइल मैनेजर आइकन सब नए मिलने वाले हैं, नया इंटरफेस मिलेगा, बहुत एक्सपीरियंस मजेदार है। बाकी इस बिल्ड में सबसे पहली चीज अगर बात करी जाए तो यार यहाँ पे नीचे आपने देखा होगा यार एक जहां पे टेम्परेचर या फिर या क्लाउड ये सब चीजें बताता था ना, उस पर जब आप जाते थे तो न्यूज और फीडबैक जितना भी होता था टास्क बार में आपको दिख जाता था वहां से न्यूज व्यूज, तो अब आप इसको यार अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया जा रहा है और भाई उस ऑप्शन का नाम है मैनेज इंटरेस्ट ऑप्शन। अगर मैनेज इंटरेस्ट ऑप्शन पे एक बार आप क्लिक करेंगे जो पेंसिल टाइप का ऊपर में आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो आपको यार जितना भी है आपको किससे न्यूज चाहिए, कौन सी कंट्री से चाहिए, अलग अलग जितने भी फीडबैक की चीजें होती है ना वो सब आप वहां से फिर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा कस्टमाइजेशन वहां मिल जाता है और ये बहुत अच्छी चीज है। आप जो चाहे वहां पर यार अपना सिलेक्टेड पार्ट रख सकते हैं, ये अच्छी चीज है ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरे को तो बेहतरीन लगा यार, ठीक है। सेकंड चीज भाई इन्होंने क्या करा, थोड़ा ना डिस्प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट करा गया है, पर ये चीज देखा जाए ना अगर लैपटॉप यूजर हो तब ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां बैटरी यूजर्स ये सब आता है, अगर आप यार पीसी यूजर है तब आपको कुछ खासा इफेक्ट नहीं होगा। आपको डिस्प्ले ऑप्शन में अगर आप जाइएगा सेटिंग्स पे तो वहां ब्राइटनेस और इन सब में कुछ नए ऑप्शन दिख रहे हैं, पर अगर आप लैपटॉप यूजर है तो पावर सेविंग इन सब में थोड़ी मदद हो जाएगी, बाकी यार कंप्यूटर यूजर है तो यार आप तो यार बिजली पे एकदम खर्चा पानी कर रहे हैं तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बैटरी यूजर जो चार्ज करके करते हैं वहां लगता है यार थोड़ा सा सेव हो जाए, वो सबकी चीजें डिस्प्ले में ब्राइटनेस का थोड़ा देखने को दिखा है तो वो सब आप चेक कर सकते। दोस्तों थर्ड चीज मेरे को जो पर्सनली अच्छा लगा, अगर आप भी वेबकैम यूज करते हैं, एक वेबकैम यूज कर रहे हैं या कोई भी कैमरा अगर आपका कनेक्ट है पीसी के साथ, तो अब आपको एक नया इंटरफेस या बोला जाए एक नया पेज टाइप का देखने को दिख रहा है। कैमरा सेक्शन अलग कर दिया गया, पहले से ही अलग है वैसे तो वो, पर उसके अंदर नई नई चीजें इंक्लूड कर दी गई है और इवन अब आप वहीं से टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब अपनी यार किस तरीके की रहेगी, ब्राइटनेस कितना रखना है, कॉन्ट्रास्ट ये सब चीजें आप वहां से भी आप कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन पूरी तरीके से खोल दिया गया और ये प्रोवाइड कर दिया गया, एक नया पेज बना दिया गया, चेक कर सकते हैं आपको यार कैमरा वाले ऑप्शन में सब कुछ देखने को दिख। और लास्ट में यार यहाँ पे यार एडमिन और सिस्टम टूल्स जितने भी थे उन सबको प्रॉपर अरेंज करके यार विंडो टूल्स के अंदर डाल दिया गया। अब विंडो वाले ना हर चीज को एक ना सीक्वेंस टाइप में बना रहे हैं, हर चीज को एक फोल्डर टाइप में, मतलब बहुत अच्छा कस्टमाइज कर रहे हैं और विंडो यार ये एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है। तो मेरे हिसाब से यार आप चाहे तो यार बिल्कुल अपडेट करिए यार इस बिल्ड पे, बहुत खतरनाक बिल्ड है और यार बिल्ड जितने भी आए सारे बेहतरीन है, विंडो के यार जितने भी अपडेट आते हैं आइकन वाइकन चेंज होते हैं तो बेहतरीन लगता है। अब यार इसी बिल्ड के अंदर कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे स्टिकी नोट्स या स्टिकी पेन ये सब जो था ना अपना यार पेंट्स, ये सबको आप डायरेक्टली अब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अपडेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसी चीजें बहुत सारी इंक्लूड करी गई है। बाकी यार आपको इसके फिक्सेस और क्या क्या इंक्लूड और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें वो चेक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगा विंडो का ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट को, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।